यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील में शुक्रवार को शिवसेना विधायक संजय राठौर ने दिग्रस तहसील अगरबत्ती परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं शहर के विभिन्न रास्तों और क्रीड़ा संकुल और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मान्यवर अतिथियों सहित तहसील के नागरिक मौजूद थे। दिग्रस शहर के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। इस दिन शहर में एक नहीं तीन बड़े विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। इसी कड़ी में पुरानी तहसील कार्यालय परिसर में सबसे पहले आयोजित दिग्रस अगरबत्ती परियोजना का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर उद्घाटक विधायक संजय राठौर सहित कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष कालिंदा ताई पवार, महिला विकास महामंडल जिला अध्यक्ष कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य बांबू विकास परिषद जिला अध्यक्ष चौहान, सदस्य डॉक्टर मनोज टेवरे, नगर पालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, सुधीर देशमुख, दिग्रस पंचायत समिति सभापति अनिता दिवाकर राठौड़ आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष कालिंदाई पवार, सुधीर देशमुख, डॉक्टर मनोज टेवरे आदि सहित मान्यवरों ने विधायक संजय राठौड़ द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए उन्हें विकास पुरुष के किताब से नवाजा। इस मौके पर अपने भाषण में विधायक संजय राठौड़ ने दिग्रस तहसील अगरबत्ती परियोजना से महिलाओं को अच्छा खासा रोजगार मिलने और उनकी आर्थिक उन्नति का विश्वास दिलाया। दिग्रस शहरातल्या कशा पद्धतीने रोजगार मिळेल यासाठी माझ्याकडून चांगला प्रयत्न राहणार आहे। आज दिग्रस शहरातल्या हजार महिला जर 300-400-500 रुपये दिवसभर 11 वाजता आलं स्वयंपाक करून आणि 5 वाजता चालल्या गेल्या तर कुटुंबही सांभाळता येते आणि दिवसभरातल्या 500 रुपयाचा हातभार घरच्यांना त्या देऊ शकतात। अशा पद्धतीनं हजार कमीत कमी महिलांना येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर आम्ही या ठिकाणी उद्योगाच्या संदर्भामध्ये तयारी करत आहोत। गारमेंट उद्योगाच्या संदर्भामध्ये जे काही आहे माझ्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडूनच संपर्क झालेला आहे। मला दारव्हा नेर दिग्रस तिन्ही ठिकाणी करायचं आहे। फक्त शासकीय जागेवर मोठा शेड आम्ही उभा करणार आहोत, गोडाऊनसारखे मोठे जे वेअर हाऊसेस राहतात तसे, आणि त्या वेअर हाऊसेसमध्ये जे काही गारमेंटच्या 2-3 ब्रँड मोठ्या ब्रँड येणार आहेत तिथे सर्व त्यांचं साहित्य आणून टाकणार आहे। इसके साथ ही उपरोक्त परियोजना से परिसर की महिलाओं को मिलने वाले रोजगार और अगरबत्ती उत्पादन से होने वाले आर्थिक लाभ पर डॉक्टर मनोज टेवरे ने प्रकाश डाला। आपल्या विभागाचे लोकप्रिय आमदार व माजी वनमंत्री माननीय संजय भाऊ राठोड यांनी ते यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना खनिकर्म विकास निधी प्रतिष्ठानमधून विशेष प्रयत्नाने बांबू बोर्डला 1,70,00,000 रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला व त्या माध्यमातून दिग्रस येथे पूर्ण महाराष्ट्रातील दुसरा म्हणजे गडचिरोली अगरबत्ती प्रकल्पानंतर दुसरा प्रकल्प हा दिग्रस येथे सुरू झालेला आहे। दिग्रस येथे आज उद्घाटन झालेल्या ह्या अगरबत्ती प्रकल्पाची पूर्ण क्षमता ही 300 टन वार्षिक अगरबत्ती उत्पादनाची आहे। येथे हा प्रकल्प जेव्हा पूर्णकालीन सुरू होईल तेव्हा जवळपास 250 महिलांना पूर्णवेळ रोजगार उपलब्ध होईल व एक कुशल महिला रोज 300-350 रुपये रोज इथून किमान वेतन घेऊन जाऊ शकते आणि ह्या माध्यमातून ती स्वाभिमाने आपली उपजीविका चालवू शकते। बहरहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न महिला संगठनों सहित आर्थिक महिला बचत गुटों की महिला पदाधिकारी और महिला सदस्यों ने शिरकत की थी। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में दिग्रस तहसील तथा शहर शिवसेना के पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्तागण प्रमुखता से उपस्थित थे। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।